नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इंफोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बाहर आए हैं, आज बाहर शूटिंग कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टिपलिंक का सीपी राउटर। जी हाँ दोस्तों, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पॉइंट टू पॉइंट सीपी राउटर है जिससे एक जगह से दूसरी जगह जो है नेटवर्किंग की जा सकती है। चाहे तो आप अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप नेटवर्किंग शेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे मान लो यहाँ से हमने उस बिल्डिंग में जो है यहाँ से वायर डाली थी, लगभग हमारी 130 मीटर जो है लैन केबल यूज़ हुई थी। बट हुआ क्या, अभी लैन केबल जो है बंदर बुंदर होते हैं या काफ़ी कुछ होता है, खिंचाव रहता है। हमने तो बाइंडिंग वायर भी लगाई थी लेकिन फिर भी जो है ख़राब हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर लाइन ऑफ साइट बिल्कुल क्लियर हो, जैसे दोनों साइटें जो है आपस में नज़र आ रही हो, जैसे यहाँ पे हमने एक लगा के रखा हुआ है, एक वहाँ पे लगा के रखा हुआ है, दोनों आपस में क्लियर है, मतलब कोई बीच में पेड़ पूड या कोई डिस्टर्बेंस या पहाड़ वगैरह या कोई घर वगैरह नहीं है, बिल्डिंग्स कम है, तो उसमें जो है दोनों को आमने सामने करके हम इनका कनेक्शन जो है जोड़ सकते हैं। तो इसमें हमारे को 300 Mbps तक जो है ये नेटवर्किंग मिल जाती है, लेकिन लैन हमारी 100 Mbps है इसमें, क्योंकि इसमें 1 Gbps नहीं है, तो यानी कि हमारे को 100 Mbps तक जो है मैक्सिमम ये हमारे को प्रोवाइड करा सकता है नेटवर्किंग में। तो जैसे कि उस साइड में हमारे लगभग जो है 7-8 कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ इस बिल्डिंग में भी NVR लगा हुआ है और एक यहाँ से और दूसरी तरफ भी है, वहाँ पर भी एक डिवाइस हमारे लगे हैं, तो मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। तो इस तरह से इस साइड को जो है आपस में जोड़ने के लिए हमारे को जो है ये दो राउटर जो है हमने यूज़ में लाए हैं। आज हम इनके बारे में आपको बताएंगे, इसके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी सेटिंग करके बताएंगे आपको। ज़्यादा देर ना करते हुए आपको शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इसके कुछ बेसिक फीचर्स आपको बता देता हूं मैं। इसमें 2x2 डुअल पोलराइज्ड डायरेक्शनल मेमो एंटीना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये हमारे पास सीपी का देखिए सीपी 210 लगा है, इसमें 510, 610 और भी मॉडल्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके प्राइजेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में है और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खरीद सकते हैं। और इसमें आपको क्या मिल जाता है, इसमें एक पैसिव POE अडाप्टर मिल जाता है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिससे जो है इसको पावर मिलती है। इसको हमें पावर जो है नीचे से देनी पड़ती है, यहाँ पे सिर्फ एक लैन केबल आती है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जो इसका चार्जर चूर्जर अडाप्टर है वो सब जो है नीचे ही रहता है, और यहाँ पे जो है सिर्फ ये राउटर जो है लगेगा। वेदर प्रूफ है, इसमें सर्ज प्रोटेक्शन भी रहती है, हाई वोल्टेज का मतलब कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, और सिंपल ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लगभग हमारा 1.5 साल हो चुका है यहाँ पे काम में लाए हुए, तो अभी तक जो है एक बार भी जो है इसने कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं किया है, मतलब हमेशा ये काम कर रहा है प्रॉपरली। और आप इसके बॉक्सेस भी हमारे पास देखिए बिल्कुल सही सलामत अभी तक पड़े हुए हैं मतलब। और इसमें FireOS ये एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वायरलेस को जो है प्रॉपरली मैनेज करता है। ब्लिंक वालों ने कंट्रोल सिस्टम जो है बनाया हुआ है। ये 9 dBi है, 6 kV लाइटनिंग प्रोटेक्शन तक इसमें है, वेदर प्रूफ है, 15 kV ESD प्रोटेक्शन भी है इसमें, पैसिव POE अडाप्टर है। तो इस तरह से ये कुछ फीचर्स हैं इसके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी जो ऑप्टिमाइज्ड मैक्स स्ट्रीम जो है इसमें एक TDMA भी है, जिसमें हम अगर हमारे कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जहाँ पे कवरेज कम आ रही हो, हम मैक्स स्ट्रीम भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि UBNT में आता है ना, मतलब वैसे ही इसमें भी है मतलब मैक्स स्ट्रीम। तो इससे क्या होता है, मतलब इसकी पावर बढ़ जाती है, जिसमें जो है ज़्यादा जो है प्रोवाइड कर सकता है, या अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो ये ज़्यादा दूरी के लिए भी हम यूज़ में कर सकते हैं। और इसकी लाइन ऑफ साइट की बात की जाए, तो दूरी की बात की जाए, कितनी कवरेज में काम करता है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन में कंपनी वालों ने देखो यहाँ 5 किलोमीटर प्लस लिखा है, यानी अगर दोनों राउटर को कंपेयर किया जाए या कि कंबाइन किया जाए तो मैक्सिमम हम दूर लगा सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम तो देखिए यहाँ से लगभग वहाँ तक जो आप डायरेक्ट बात की जाए तो लगभग हमारी यहाँ से 50 मीटर की दूरी है, लेकिन ये प्रॉपरली यहाँ पर काम कर रहा है। अदरवाइज 5 किलोमीटर दूर भी लगा सकते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है और यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन आप किसी और जगह लेके जाना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग के थ्रू लैन केबल लगाएंगे और ये वाईफाई के थ्रू दूसरी जगह लेके जाएगा, और दूसरी जगह ये सेम लगेगा इसका रिपीटर, और वहाँ से लैन केबल नीचे आके किसी राउटर वगैरह में लग जाएगी, तो वहाँ पे आप अपना इंटरनेट कनेक्शन या यहाँ के डिवाइसेस को वहाँ पे एक्सेस करना आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो काम करता है, इसमें बहुत सारे मॉडल हैं, वो भी उनके आने वाले टाइम में उनकी वीडियोस बनाएंगे हम। तो आज हमारे पास यहाँ लाइट नहीं थी तो हमने सोचा चलो छत पे आके जो है ये शूट करके देखते हैं। ये हमारे ही किसी रिलेटिव की साइट है, तो इसकी सेटिंग्स आपको बता देते हैं भी किस तरह से करेंगे और किस तरह से इसकी वायरिंग वूरिंग जुड़ेगी सब कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पहले जो है हमने जो AP मोड है, जो पहला जो हमारा राउटर होता है उसको AP मोड पर करते हैं, इनकी एक एक्सेस पॉइंट जैसे वायरलेस एक नाम होता है ना, तो वैसे वायरलेस का नाम रख के उसमें पासवर्ड रख के उसको सेव कर देते हैं। और ध्यान रखिए इसमें जो IP एड्रेस है वो हम स्टैटिक करेंगे, ताकि जो है कल को हम दोबारा इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है इसको एक्सेस कर सकें। अगर आप डायनेमिक रहने देंगे या आपके पास कोई पर्टिकुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या 4G कनेक्शन है, उनके साथ जो है कनेक्शन बना सकते हैं वैसे आप, लेकिन फिलहाल जिस तरह से दोनों साइटों को आपस में कभी भी एक्सेस कर सकें, कभी कुछ हो जाए तो उनको दोबारा से सेटिंग करनी पड़ जाए, तो इसलिए जो है हम स्टैटिक IP एड्रेस रखते हैं। तो एक का IP एड्रेस है 254 और दूसरे का 252, तो इस तरह से दोनों को हम IP एड्रेस बारी बारी से प्रॉपरली सेव कर देंगे पहले, सबसे पहले। उसके बाद एक को बना देंगे हम AP, ठीक है। AP बनाने के बाद जो है पासवर्ड रख देंगे उसका, और दूसरी जगह पे हम जो है उसको क्लाइंट बनाएंगे,
क्लाइंट बनाने से क्या होगा, अभी फिर हमारे को जो वायरलेस की ऑप्शन है वहाँ पे एक सर्वे का ऑप्शन मिल जाएगा। सर्वे से क्या होगा, अभी हमारे पास जो जो वाईफाई का कनेक्शन है 2.4 GHz के और भी वाईफाई चल रहे होंगे, एक तरीके से रिपीटर मोड की बात की जा सकती है। एक तरीके से ये वायरलेस राउटर है, इसको आप घर के इंडोर भी ले सकते हैं, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसमें 5 किलोमीटर मानी जाती है। तो ये डायरेक्शनल है, अगर मान लो हमें किसी लॉबी वगैरह में, हॉल वगैरह में लगाना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हम कई होटल्स में लगाते हैं, बड़े बड़े होटल में, तो इसका एंटीना का जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है वो ऑप्शन पूरी प्रॉपरली है, और बड़े बड़े होटल्स में जहाँ पे 10-10 रूम्स होते हैं एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे, तो वहाँ पे भी इसे काम में लाया जा सकता है। और उसमें क्या होता है, फिर सभी कमरों में जो है कवरेज आ जाती है। नॉर्मल वाईफाई की रेंज आपको मालूम है 2-3 BHK तक जो है काम करती है, लेकिन इसकी जो है फिर 2 फ्लोर तक जो है लगभग ये 8 BHK तक जो है काम कर सकता है, मतलब क्योंकि बिल्डिंग्स को जो है जब ज़्यादा इसकी वाईफाई की कवरेज है तो यानी कि ये कुछ दीवारों को जो है क्रॉस करके जो है आगे तक वाईफाई की पहुँचाने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से है, लेकिन अगर ओपन में लगाया जाए तो लगभग ये 5-6 किलोमीटर तक दूर जाता है। और इसकी मेरे हिसाब से तो है ये 2.4 GHz का, इसमें 5 GHz के मॉडल भी आते हैं, और 2.4 GHz का है तो यानी कि मोबाइल पे हमारे को एक्सेस मिल सकता है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमारे को चिमकांडी वन जो है इसका एक वाईफाई का नाम है, वो यहाँ पे हमारे को एक्सेस आ रहा है, मतलब 2.4 में। और अगर इसका पासवर्ड मैं अगर यहाँ पे डाल दूँ तो मेरे को जो है यहाँ पे इसका नेट का एक्सेस मिल जाएगा। तो जैसे मान लो जो है मैंने मोबाइल पे यहाँ पे डाल दिया है, तो कनेक्टिंग हो रहा है, तो आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो इस तरह से देखिए मोबाइल पे भी एक्सेस हो जाता है, यानी कि अगर मान लो आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा रखा है आपने ऑनलाइन के थ्रू, आपने छत पे इसको लगा दिया, तो इसका जो अब दूरी है मतलब कि ये 5 किलोमीटर तक जो आपको वाईफाई का कनेक्शन देगा। यहाँ से जो है पहाड़ नज़र आ रहा है, तो अगर हमारे को आज लाइट नहीं मिली तो हो सकता है भी हम, लेकिन हमारे किसी का सेटअप में चल रहा है इसको, हम उधर को डायरेक्शन कर सकते हैं, वैसे ले सकें पंगा से। ओहो, इसकी बेल्ट टूट गई है। तो नॉर्मली हमने पोल पे जो है केबल टाई से इसे लगा दिया है, और इसका जो दूसरा वर्जन है वहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा दो। नॉर्मली इसमें हमारे पास 50 Mbps की स्पीड है, और मैं यहाँ पे स्क्रीन आप रिकॉर्डर देख सकते हैं, साथ में साथ वाली बिल्डिंग पे जो लगाया है वो भी देख सकते हैं, और हमारे को देखिए कितनी Mbps स्पीड आ रही है। तो ये पूरी 100% जो स्पीड आ रही है हमारे को वो प्रोवाइड कराता है, तो कितनी अच्छी बात है, मतलब जो हमारे को इंटरनेट कनेक्शन होगी वो हमारे को ओपन वे भी मिलेगा, या हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है प्रॉपरली हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन भी जो है पूरा एक्सेस कर पा रहा है, और आप देख सकते हैं 35.5 Mbps की डाउनलोडिंग, और अपलोडिंग भी जो आप देख सकते हैं 30 Mbps के आसपास जो है हमारे को मिल रही है। ये हमारा एक नेट प्लस का 50 Mbps का प्लान है, तो वो हमारे को एक्सेस जो है ये हमारे को घर तक पहुँचा रहा है इतनी स्पीड पर। तो ये बहुत एडवांस मतलब जो है इसके फंक्शन है, जो कि हम ले सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक। तो मैक्सिमम अगर आपको मान लो 50 Mbps ट्रांसफ़र करना है या 100 Mbps ट्रांसफ़र करना है तो आप इसे ले सकते हैं। अगर इसे ज़्यादा करना है तो आपको 5 GHz वाला लेना पड़ेगा, वो 300 Mbps तक काम करता है। इसके बाद फिर AC राउटर आते हैं जो ज़्यादा Mbps यानी कि 750-1200 Mbps तक काम में लाए जाते हैं, वो भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट में आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है गीगा फाइबर वगैरह, फिर गीगा में भी आ जाते हैं, मतलब जो है फाइबर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं वैसे, तो 1 Gbps तक लाइन पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये, और इसकी एडवांटेज ये 2.4 GHz है, तो मोबाइल पे भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है भी अगर कोई हैक करना चाहे तो उसका पासवर्ड अगर लीक हो जाए या किसी को पता लग जाए तो हैक होके जो है फिर इसको कोई भी यूज़ कर सकता है इसका इंटरनेट अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ, अगर आपका अच्छा पासवर्ड है या आप बार बार चेंज करते हैं तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने एक साइड से दूसरी साइड को जोड़ के बताया है। और वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह, कैमरे कुमरे सब चल रहे हैं, वैसे हम और भी जगह पर करते हैं। वैसे जो है यहाँ पे हमारी शॉप है और यहाँ से हमारा घर जो है लगभग काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे हमने फाइबर ऑप्टिकल भी डाली है। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने फाइबर ऑप्टिकल अपने शॉप से घर तक पहुँचाई है, और किस तरह से उनको कनेक्शन किया है, और किस तरह से हमारा 100 Mbps का जो प्लान है वो हम प्रॉपरली अपने घर में यूज़ कर पा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल राउटर में 72 Mbps स्पीड रहती है, तो वो 100 Mbps कैसे ले पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है आने वाले वीडियो में हमारे को मिलेगी। नेटवर्किंग के कुछ कंसेप्ट हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारा CCTV का कोर्स है, उसमें नेटवर्किंग के कुछ वीडियोस हैं, अगर वो आपने देखनी है तो आई बटन में है या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते जो है ये जो इनकी नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं अपना। बाकी इतना ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।